बारिश के मौसम में खेतों में काम करते हुए आप कभी समझ भी नहीं पाते और आकाशीय बिजली मौत बनकर आपको अपने आगोश में ले लेती है। इस समस्या के हल को लेकर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दामिनी ऐप विकसित किया है। इस ऐप का बालाघाट जिले के किसानों द्वारा बखूबी उपयोग किया जा रहा है। बालाघाट के बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र में दामिनी ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस ऐप के जरिए हमें 40 किलोमीटर के रेडियस पे यह बता देता है कि बिजली गिरने की संभावना है या नहीं। अगर कहीं बिजली गिरने की संभावना हो तो उस मोबाइल ऐप से हमको पता चल जाता है कि दुर्घटना होने वाली है। कि मैं स्कूल का संचालक हूँ और मेरे पास 15-20 किलोमीटर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से मैं उन समस्त छात्राओं को एक अच्छी सुविधा दे रहा हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और मौसम अधिकारियों की सलाह के बाद अंचल के किसान अब इस ऐप का उपयोग करने लगे हैं। बारिश के मौसम में जब भी वे खेतों में काम करने जाते हैं तो इस ऐप की मदद से आकाशीय बिजली के वज्रपात की संभावना के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। इस ऐप के माध्यम से हमारे किसान भाई 40 किलोमीटर दूर तक बिजली कड़कने की जानकारी का पता लगा सकते हैं, वो भी 40 मिनट पहले। इस ऐप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और भारत सरकार के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर यह ऐप तैयार किया है। ये लाइट डिटेक्टर का काम करेगा और किसान भाइयों को 2-3 किलोमीटर के बीच के दायरे में वो आसानी से काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया को नए आयाम देते इस ऐप का बालाघाट जिले के किसान उपयोग कर अब सुरक्षित तरीके से खेती कर रहे हैं। बालाघाट से जनेंद्र बुर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News भोपाल।